पाकिस्तान की सियासत में अडियाला जेल की एक तारीखी अहमियत है। अडियाला जेल दरअसल सेंट्रल जेल रावलपिंडी है और इसे अडियाला जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रावलपिंडी का एक गांव अडियाला इससे तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाकया है, जिस वजह से इसे अडियाला जेल कहा जाता है। ये जेल रावलपिंडी जिलाई अदालतों से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। इसे 1970 की दिहाई के आखिर और 1980 की दिहाई के अव्वल में पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर जनरल मोहम्मद जियाउल हक की हुकूमत के दौरान तामीर किया गया था। इससे कबल रावलपिंडी की जिलाई जेल इस मुकाम पर वाकया थी जहां आज जिना पार्क वाकया है, और ये वही जेल थी जिसमें मुल्क के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत में कैद रखा गया और इसी जेल के फांसी घाट में इन्हें फांसी भी दी गई। जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद आने वाले कुछ सालों में इस जेल को खत्म करके यहां पार्क बनाया गया और 1986 में जेल को अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। अडियाला जेल का नाम हमेशा पाकिस्तानी सियासत में गूंजता रहेगा। ये वो कैद खाना है जहां मुल्क के वज़राए आज़म समेत मुतअद्दिद अहम सियासतदान कैद रह चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी अब इसी जेल में मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी 2 मरतबा इस जेल में कैद रह चुके हैं। पहली मरतबा 1999 में मुल्क में फौजी बगावत के बाद जब इन्हें तयारा साजिश केस में सजा सुनाई गई तो इसके बाद वो कुछ अरसा यहां कैद रहे। दूसरी मरतबा अडियाला जेल नवाज शरीफ का मस्कन पनामा केस में इन्हें दी जाने वाली सजा के बाद बनी। इस मौका पर इनके साथ इनकी बेटी मरियम नवाज को भी अडियाला जेल में कैद रखा गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी अपनी जिंदगी का कुछ वक्त अडियाला जेल में गुजार चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी सितंबर 2004 से 2006 तक 1.5 बरस से ज्यादा अरसा अडियाला जेल में गुजारा और उन्होंने इस कयाम के दौरान एक किताब भी लिखी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ भी मुशर्रफ दौर में अडियाला जेल में कैद रह चुके हैं, जबकि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी कुछ वक्त यहां गुजार चुके हैं। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साद रफीक भी मुशर्रफ दौर में कुछ वक्त के लिए अडियाला जेल में रह चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ की जिला वतनी के दौरान जावेद हाशमी भी चंद माह तक अडियाला जेल के कैदी थे। इनके अलावा साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान, नवम्बर 8 के मुंबई हमलों के मास्टर माइंड जकीर रहमान लखवी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारूफ मॉडल अयान अली भी यहां कैद की सजा काट चुके हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक जिन कैदियों को 1 क्लास दी जाती है इन्हें रिहाइश के लिए 2 कमरों पर मुहित एक अलग से बैरक दिया जाता है जिसके 1 कमरे का साइज 9x12 फुट होता है। कैदी के लिए बेड, एयर कंडीशन, फ्रिज और टीवी के अलावा अलग से बावर्ची खाना भी शामिल होता है। 1 क्लास के कैदी को जेल का खाना खाने की बजाय अपनी पसंद का खाना पकाने की भी इजाजत होती है। इसके अलावा 1 क्लास में रहने वाले कैदी को 2 मुशक्ति भी दिए जाते हैं। जेल हुकाम के मुताबिक अगर कैदी चाहे तो दोनों मुशक्ति इनके साथ रह सकते हैं और अगर कैदी चाहे तो मुशक्ति काम मुकम्मल करके अपने बैरकों में वापस भी जा सकते हैं। जेल कवानीन के मुताबिक जिन कैदियों को बी क्लास दी जाती है इनको एक अलग से कमरा और एक मुशक्ति भी दिया जाता है। ताहम अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे तो मुशक्तियों की तादाद 1 से बढ़ाकर 2 भी कर सकता है। जेल हुकाम के मुताबिक जिन मुशक्तियों को ए और बी क्लास के कैदियों के लिए बतौर खिदमत गुजार दिया जाता है वो मामूली जराइम में मुलव्विस होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।